तो आज सुबह सुबह पुल पे आए हम लोग और मन नहीं कर रहा है दौड़ने का, तो इसलिए बस सिंपल आज वॉकिंग करके ही घर चले जाएंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ा कर भी लिए और थोड़ा जाने के बाद भी करेंगे और सिंपल वॉकिंग करेंगे। तो हम अभी आए हरिहरनाथ मंदिर, यहाँ भी घूम लिए क्योंकि आज दौड़े नहीं, तो सोचे कि मंदिर का ही दर्शन करें। तो थोड़ा मंदिर वंदिर भी घूम लिए और हम और विजय जी अभी थोड़ा सा नाटंकी कर रहे थे। वो शादी दूसरे का वेडिंग हॉल था, मतलब किसी का शादी हो उसके लिए सजा हुआ था और हम लोग जाके उसमें एकदम मस्त मस्त फ़ोटो खींचे। हालांकि विजय भाई मेरा खींचे, उनको तो फ़ोटो से उतना शौक नहीं, तो मैं भी ऐसे खिंचवा लिया हूँ कि कभी, लेकिन एकदम ओरिजिनल फूल है भाई। मतलब महंगा महंगा वेडिंग हॉल है, महंगा सेटिंग था हमारे हनुमान देवता। तो हो गए हम रेडी और हो गया हमारा सामान भी पैक, दी भी हो गई एकदम रेडी और हम लोग को निकलना है तुरंत स्टेशन क्योंकि जाना है एक जगह, और जाते हैं तो फिर आगे बताते हैं क्या क्या। हम हो चुके हैं लेट और जा रहे हैं स्टेशन, देखिए ट्रेन पकड़ाती है कि छूटती है, वो तो जाके पता चलेगा। हम जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल दिए और अभी गाड़ी एक घंटे लेट है, पूरे एक घंटे तक यहाँ इंतज़ार करना है, फिर देखिए क्या होता है। तो अब जाके हमारी ट्रेन आ रही है पूरे डेढ़ घंटे लेट, अब जाएंगे, ट्रेन आती है तो बैठते हैं फिर निकलते हैं जहाँ जाना है वहाँ के लिए। जहाँ हमें पहुँचना था ऐसे दानापुर स्टेशन है, अब यहाँ से हम ऑटो लेंगे और जहाँ जाना है वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो देखते हैं कितना समय लगता है जाने में, और लगी हुई थी प्यास वास, भूख भी थोड़ी लग गई क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। जिस जगह जाना है यहीं के लोग नहीं जान रहे हैं कि वो चीज़ यहाँ है भी कि नहीं है, वो जगह यहाँ है भी कि नहीं है। तो चलिए खोजते हैं, चलते हैं, निकलते हैं। हम पहुंच गए अपने लिफ्ट में और देखिए कुछ ना कुछ ही कर रहा है सर, एकदम पूरा भरे हुए हैं। ये दीदी का बैग है जो हम पकड़े हुए हैं और हम जा रहे हैं जहां हम आए हैं जिस चीज़ के लिए, जिसके पास आए थे उनको, हाँ उनको। ये है हमारी प्रियंका दीदी, तो इन्हीं के घर हम आए हैं और इन्हीं के घर पे भी पहले खाना खाएंगे क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। हो गया हमारा खाने का समय और बैठ गए हम तीनों लोग खाने, और हमारे खाने में आज एकदम टेस्टी घर वाला खाना है। तो पहले हमारे साथ एक भुखर है, हम दोनों नहीं हैं भुखर, हम लोग लिमिट से खाते हैं। तो ये है पापड़, हमारी मामी जी ने बनाया है। गजब है लेकिन चल रहा है नाश्ता और सभी लोग भाई लोग यहाँ लिट्टी और समोसा का नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर से हो सकते हैं डांस करेंगे, उसके बाद खाएंगे खाना और देखते हैं कब सोते हैं। शादी वाले घर में सोना अलाउड नहीं होता है, और बच्चे पार्टी एकदम ज़्यादा खा रहे हैं ताकि ज़्यादा एनर्जी रहे और ज़्यादा डांस कर पाए। हम लोग को थोड़ा खा के चल जाएगा, कोई काम नहीं। अभी समय हो रहा है जो आप अभी वॉल पे देख रहे हैं, तो अभी समय हो रहा है 1:20 और हम लोग मस्ती करके सभी लोग बैठे हुए हैं यहीं पे हॉल में,
और कोई सोया नहीं है, मतलब जो सोने वाले थे वो सो गए, जो जगने वाले थे पूरा बैठे हुए, जैसे दुल्हन की बहन हमारी दीदी, दुल्हन की बड़ी बहन जो खुद दुल्हन है, और बाकी दुल्हन की सखियाँ सहेलियाँ जो उनकी छोटी छोटी बहन है, और जो मेरे साथ आई थी वो अंदर कहीं खराटा ले, वो हैं तो खराटा ले रही थी, बाकी सभी लोग सो चुके हैं, सोच रहे हैं ब्लॉग को कैसे आगे बढ़ाएं, तो जाते हैं सबको उठाएंगे, उसके बाद फिर से नचवाएंगे, तो फिर से सुनवाएंगे। तो बाकी सारे काम हो चुके हैं, मस्ती वस्ती हो चुका है, और खाना तो खाना तो सभी लोग का उसी समय हो गया, मतलब इतना डांस किया लोग, इतना डांस किया, मतलब नीचे वाला ऊपर वाला जो सोया होगा आदमी फ्लोर पे, वो मतलब माँ कसम एकदम ऐसा ऐसा गाली भेज रहा होगा ना मन से, लेकिन हम लोग सुन के एकदम बवाल कर दिए, गदागद हो गए होंगे, मन में ही फील कर रहे हैं, मन तो अभी भी है डांस करने का, लेकिन पता चलेगा अभी उस समय गाली दे रहे थे कहीं बांस लेकर ना चले आए, इसलिए डांस अब नहीं करेंगे, समय भी हो गया है सोने का, बेड लग चुका है हमारा, उस रूम में बेड है। आज के जिंदगी में तो लोग ना ढंग से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मन से वो लोग गाली जरूर दिए तो सही बात है, मन से गाली जरूर दिए होंगे। तो मेरा बेड उस रूम में लगा हुआ है, और मुझे जाके उस रूम में आराम से पलट जाना है, सो जाना है, और अभी वीडियो आधा एडिट हुआ है, आधा बचा हुआ है, क्योंकि डांस ही करने में सब इतना व्यस्त है कि वीडियो बनाए तो बनाए कौन, और तो करते हैं, वो लोग कहें अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम जा ही रहे थे सोने की, इन लोग को मतलब मेहंदी लोग लगाया है ना, तो हमको समझ नहीं आ रहा है, एक मेहंदी वाला परेशान हो रहा है इन लोग से, कह क्या है कि दो आदमी को लगाएंगे, पूरा फैमिली बैठ के बेचारे को पेरा है, क्या कहिएगा, शोषण क्या है, शोषण हम बता नहीं सकते, दिल से इतना दुआ निकल, इतना शोषित हो गया कि नाश्ता तक नहीं, नाश्ता तक नहीं, चाय दिया ना तो ऊपर को नीचे में गिर गया उसका।